SBI की तरफ से दो बड़े अपडेट देने जा रहे हैं। पहला अपडेट ये है कि SBI अकाउंट में आधार के जरिए UPI पिन कब से बनेगा, तो फाइनली मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा अपडेट भी इसी वीडियो में आप जानने वाले हैं, जो कि दोनों अपडेट कमाल की है। तो पहला अपडेट ये है कि SBI अकाउंट में और भी अदर बैंक जितने भी है उसमें कब से जो है UPI पिन बनेगा आधार के जरिए। तो फाइनली मैं NPCI को ट्वीट किया हूँ और ट्वीट में जो रिप्लाई आया है आपको यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ, UPI को जो चलाने वाले हैं NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मैंने उनको खुद ट्वीट किया है, आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जो रिप्लाई आया उनको पढ़ के दिखाता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे ट्विटर अकाउंट अपना ओपन कर लेते हैं। तो ये जो है रियल में, ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, जो रिप्लाई आया ये रियल में आया है और कहीं पर भी किसी भी तरह का स्क्रीन शॉट नहीं लिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सवाल पूछे थे इनसे भीम NPCI, जो कि यहाँ पर देखिए वेरीफिकेशन मार्क लगा हुआ है। मैंने सवाल पूछा था कि आधार से UPI पिन कब तक SBI अकाउंट का बनेगा, तो यहाँ पे इन्होंने जवाब दिया है कि हम सूचित करना चाहते हैं कि NPCI UPI ग्राहक के ऑनबोर्डिंग के लिए आधार OTP के साथ लाइव हो गया है और इससे ग्राहक बिना डेबिट कार्ड के सुरक्षित रूप से ऑनबोर्डिंग हो सकेंगे। यह सुविधा वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कॉस्मोस बैंक के साथ लाइव हो गया है और अन्य बैंकों को जल्द ही जोड़ा जाएगा। अधिक अपडेट के लिए बने रहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि अन्य बैंकों को जल्द ही जोड़ा जाएगा, तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि जब कॉस्मोस बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यह फीचर आ सकता है तो और भी बैंक जो SBI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, और जल्द ही ये लाने का प्रक्रिया चालू है यहाँ पे। तो फाइनली ये जो रिप्लाई आया है बिल्कुल जनरल रिप्लाई आया है, दो बैंकों के साथ लाइव हो चुका है। इसके रिकॉर्डिंग जवाब आता है तो मैं और भी आपको आने वाले समय में बताऊंगा। तो फिलहाल अभी कोई भी डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है और जैसे ही डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी घबराने की कोई भी बात नहीं है, आप जिससे भी UPI डेबिट कार्ड से यूज कर रहे हैं फिलहाल करते रहिए। जब ये आधार के जरिए SBI अकाउंट में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, HDFC में आ जाएगा तो मैं आपको एक वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो फाइनली जो जेन्युइन रिप्लाई आया था NPCI की तरफ से वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर दूसरा अपडेट ये है कि भीम UPI के तरफ से निकल के आ रहा है। आप मान चलिए अगर आपको UPI से पैसा ट्रांसफर करना है तो आप UPI इंटर करते हैं, उसके बाद @PayTM, लेकिन यहाँ पे भीम UPI पे एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर आया है। सिर्फ आप UPI नंबर से, जैसे कि अपना मन चाहे 9 डिजिट का नंबर बनाए और वही नंबर से आप जो है किसी को पे कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पैसा भेज सकते हैं बिना @SBI लगाए, बिना @HDFC लगाए, बिना @IndiaPostPaymentBank लगाए। जैसे कि अभी तक जो है UPI से अगर पैसा ट्रांसफ़र करना होता था ये @ हम लगाते थे, लेकिन वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो फाइनली आप जो है एक UPI नंबर बना के किसी को भी पैसा भेज सकते हैं, अब @ लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली ये दो बड़े अपडेट थे, तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे चुका हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं अपना कीमती समय निकाल के, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो